नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्कॉट जी हेरोल्ड की फेमस बुक एक्टिवेट योर ब्रेन बुक की समरी लाए हैं। स्कॉट जी हेरोल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट थे। उनके एरिया ऑफ अचीवमेंट थे ब्रेन बेस्ड बिहेवियरल साइंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्फ्लुएंस एंड रिचनेस एंड डेप्थ टू हिज प्रोग्राम्स। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को पावरफुल बना सकते हैं, कैसे इस पर काबू पा सकते हैं और कैसे आप अपने दिमाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिवेट योर ब्रेन बुक समरी। दोस्तों, हमें इस किताब को क्यों पढ़नी चाहिए, इसे पढ़कर हमें क्या ज्ञान मिलेगा, इसका इस्तेमाल करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। दिमाग हमारे शरीर का इंटीग्रल हिस्सा है जो पूरे शरीर में होने वाली एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। हम रोज़ाना की लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें हमारे दिमाग का अहम रोल होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है और उनका क्या क्या काम है, जिसके बारे में लेखक हमें बताना चाहते हैं। ये किताब हमें सिखाएगी कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है और हमारे दिमाग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इन सभी बातों पर इस किताब में बताया हुआ है। अपना दिमाग तीन भागों में बंटा हुआ है और पिछले कुछ दशकों से हमें जो पता चला है उससे ये पता चलता है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से चिंपैंजी से मिले हुए हैं और बाकी का एक भाग उनसे अलग होता है। उन तीन हिस्सों को ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे दिमाग का ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारी बॉडी की जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये हमारे बॉडी को निर्देश देता है। जैसे अगर आपको काफ़ी थकान हो जाती है तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है और आप सो जाते हैं, और अगर आपको भूख लगे तो आपका दिमाग आपको खाने की याद दिलाता है। दूसरा, मैमेलियन ब्रेन। हमारे दिमाग का यह हिस्सा काफ़ी एक्टिव रहता है जो हमारे आसपास के खतरे और इंस्ट्रक्शंस को भांपता है। दिमाग के इस हिस्से से हम अपनी फीलिंग्स को भी फील कर सकते हैं। फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस जैसी फीलिंग्स को पैदा करने का काम इस दिमाग के हिस्से का होता है। तीसरा, ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यह हिस्सा हमें जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है कि कैसे हम सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं, कैसे हमें सही गलत का बोध होता है, हम अपनी फीलिंग्स पर भी काबू पा सकते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को समझने का काम हमारे दिमाग का यह हिस्सा करता है। हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक काबू भी कर लेते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। क्या आपने कभी जोश में आकर डिसीजन लिया है कि कल से रोज़ पढ़ाई करूँगा, लेकिन दो तीन दिन बाद आपका पढ़ाई करने का मन ना करता हो? हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। और ऐसे कौन से केमिकल हैं और वे क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी और आनंद का एहसास कराते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है। नॉरपाइनफेराइन हमारे काम में रुचि पैदा करवाता है। और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करने और अटैचमेंट बनाने में मदद करता है। एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के एक्शंस को भांपने में मदद करता है। इन्हीं केमिकल की वजह से आज हम जिंदा और सुरक्षित हैं। ये सभी केमिकल हम पर इस तरह से काबू करते हैं, लेकिन हम भी इन पर काबू कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है तो आप उस काम के फायदे के बारे में सोचकर अपना मन उस काम को करने में लगा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में काफ़ी परेशानियां आते रहती हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम उनका सामना करें। आज के समय लोग दूसरों पर दोष डालते रहते हैं, दूसरों की कमियाँ निकालते रहते हैं। वे पहले खुद को नहीं देखते कि मैं खुद कितना सही हूँ। ऐसे लोग अपना काम छोड़कर दूसरों पर ही नज़र लगाए रहते हैं। इसीलिए दूसरों से पहले खुद की जिम्मेदारी लेना सीखें। अगर आपको कठिन कामों को करने में डर लगता है कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे या फिर ये आपके बस की नहीं है, तो आप खुद को ऐसे हालातों के लिए तैयार कर लीजिए कि आप ऐसे कामों की लिस्ट बना लीजिए जिन्हें आपको एक दिन में करना है। अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखिए और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखिए। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इस तरह के कई रिसर्च कर चुके हैं जहां वे लोगों के दिमाग पर
काबू पाने की शक्ति पर काम कर चुके हैं। एक स्टडी में ये बात साफ की है कि अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति है तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। सफलता पाने के लिए आपको अपने मन इच्छाओं पर काबू पाना होगा और अपने दिमाग का फोकस बढ़ाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप कई सारे काम एक साथ कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, आप इसमें विफल हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक समय में एक ही काम पर फोकस करना है। अगर आप दो काम एक साथ करोगे तो उसमें सफल होने के चांस बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक काम को एक ही समय पर करते हो तो उसके सफल होने के पूरे चांस होते हैं। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। जब भी आप पहले दिन स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो हमें थोड़ी बहुत घबराहट ज़रूर होती है, क्योंकि हम किसी को भी नहीं जानते और हम अनजान लोगों के बीच थोड़ा बहुत डर महसूस करते ही हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को जानने लगते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हम एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हैं। जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में उनके प्रति एक अलग ही भावना महसूस होती है। अगर वो पहला दिन काफ़ी यादगार रहता है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है, जिससे उसके साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। दूसरों से मिलकर हासिल हुई कामयाबी हमें ज़्यादा खुशी देती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि खुशियाँ बांटने से और ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, उसी तरह दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको और ज़्यादा मज़ा आता है और आपको सफलता भी ज़्यादा मिलती है। आपने देखा होगा कि लोग अगर घूमने, शॉपिंग करने या मूवी देखने जाते हैं तो वे अकेले नहीं जाते, वे अपने साथ किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले जाने के बजाय साथ में जाने में ज़्यादा खुशी मिलती है। कभी कभी आप दूसरों की राय भी ले सकते हैं या फिर उनसे मदद भी मांग सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कई आइडियाज़ मिल जाते हैं और आप उन पर भरोसा भी कर सकते हैं। इससे आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप डिप्रेशन में रहते हैं? क्या आप अपने कामों में फोकस नहीं कर पाते हो? क्या आप आसान कामों में उलझ जाते हो? अगर ये सभी समस्या आपके साथ है तो आपके दिमाग को आराम की काफ़ी ज़रूरत है। आराम करने या सोने से हमारा दिमाग कोर्टिसोल नामक हार्मोन को बनाता है, जिससे हमें तनाव से आराम मिलता है। हमारा दिमाग भी हमारे शरीर की तरह ही है, ये भी थक जाता है और इसे भी काफ़ी आराम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कभी भी नींद और आराम में कटौती नहीं होनी चाहिए। अच्छी नींद लेने से हम काफ़ी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, हमारी याददाश्त भी काफ़ी मजबूत होती है और तनाव भी कम हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में किसी भी समस्या को सुलझाने की गजब पावर होती है। हमें अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखना चाहिए, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से अच्छा काम करे। इससे आपको सारी समस्याओं का हल मिल जाता है और आपके पास कई आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। आपको अपने डिवाइसेस से पॉपअप ऑप्शन को ऑफ कर देना चाहिए। आप जब भी कोई ज़रूरी काम करते हैं और इसी बीच आपका मैसेज आ जाता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो इससे आपका ध्यान भटक जाता है। इसीलिए जब भी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में काम करते समय कोई पॉपअप मैसेज या नोटिफिकेशन आए तो उससे पहले उसे ऑफ करके रख देना चाहिए, जिससे आपका काम करने में ध्यान हटेगा नहीं। तो दोस्तों, आपने इस अमेजिंग बुक से क्या सीखा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल में हम डेली लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स अपलोड करते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, तो सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। अगर हम किसी एक की भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके तो हमारी मेहनत सही रास्ते पर है। तो दोस्तों, एक्टिवेट योर ब्रेन बुक को डिटेल में ज़रूर पढ़ें। इससे आपको उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा जो हम समरी में नहीं बता पाए। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।